हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फोर कंप्लीट करेंगे, और जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। आप लोग इसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर फोर। पहले आइडेंटिटी में याद रखनी है साइन ए प्लस में, दूसरे कॉस ए प्लस, बहुत सारी आइडेंटिटीज इससे बन जाएंगी। इन दोनों आइडेंटिटीज से बहुत सारे फॉर्मूलाज इससे बन जाने हैं। कुछ जो बचेंगे उनमें हम आपको याद करने का थोड़ा सा तरीका बता देंगे, जिससे आप लोगों के लिए वो आसान हो जाएगा। याद रखिए 10, 11 और 12 तीनों के लिए है ये वीडियो। इसके अलावा 12th में जो एक अलग से टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके लिए 5th वीडियो तैयार करेंगे हम लोग, जिसमें कि आप लोगों को बहुत अच्छे से फॉर्मूले वो लर्न हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाती है, फॉर्मूले बहुत अच्छे से आप क्लियर हो जाते हैं, तो बाद वाले फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल इन्हीं से ही मिलकर बने हुए हैं, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बने रहे हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब साइन ए प्लस बी का हमें फॉर्मूले लिखना है तो हम लिखेंगे क्या, पहले लिख देंगे ए, यहाँ पे ये हो गया बी, देखिए प्लस लगा था, फिर हमने प्लस लगा दिया, प्लस लगाने के बाद फिर से हमने यहाँ पे ए नोट कर दिया, और उसके बाद फिर से नोट कर दिया यहाँ पे बी। समझिए स्टूडेंट्स, ए बी ए बी, यहाँ पे क्या था साइन ए प्लस बी था, तो पहले हमने ए नोट कर दिया, फिर बी नोट कर दिया, यहाँ प्लस था हमने प्लस लगा दिया, फिर ए नोट कर दिया, फिर बी नोट कर दिया, इतने आपको कोई दिक्कत नहीं है। साइन क्या करता है, साइन अपने साथ सभी को लेकर चलता है, अकेले पूरा काम नहीं करना चाहता। तो करेगा क्या, ए के साथ लग जाएगा कि साइन, इसके साथ लग जाएगा कॉस। अब की बार क्या होगा, कॉस पहले आ जाएगा, cos A, और ये हो जाएगा sin B। समझ लिए, पहले लिख लेंगे A B A B, यहाँ प्लस का साथ प्लस का फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, तो प्लस लग जाएगा यहाँ पे, पहले पे साइन लगा देंगे, फिर cos लगा देंगे, फिर पहले cos आ जाएगा, फिर साइन आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, cos के केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा कुछ सिमिलैरिटीज है उसको देख लेते हैं। ए बी ए बी, यहाँ पे ए बी हो गया, और फिर यहाँ पे ए, और यहाँ पे बी हो गया। यहाँ पे जब साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं, तो प्लस होने पे स्टूडेंट्स यहाँ प्लस लगाते हैं, कॉस के केस में ऐसा नहीं होता है, तो होता क्या है भाई, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। अब क्या होगा, कॉस वाले केस में दोनों में पहले कॉस आ जाता है, मतलब कॉस ए कॉस बी, फिर दूसरे वाले केस में दोनों के साथ साइन आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, साइन ए और साइन बी, एंड वी कैन से दैट sin a plus b equals sin a cos b plus cos a sin b, and another identity cos a plus b equals cos a cos b minus sin a sin b। अब इन्हीं दोनों identity को use करके हम दो नई identity बना लेते हैं। कैसे, यहाँ पे sin a minus b की identity जब बनेगी, अभी a plus b था और यहाँ पे आ गया a minus b, तो होगा क्या, कोई special change नहीं होगा, बस plus की जगह minus आ जाएगा, जो formula था वो वैसे ही आ जाएगा। कैसे लिखा है students, याद दिलाते हैं, पहले a फिर बी, फिर ए, फिर बी, साइन सभी के साथ एक जैसा बिहेव करता है ना। तो यहां पे पहले आ जाएगा साइन, फिर आ जाएगा कॉस। अब क्या होगा, पहले कॉस को मौका दे देगा, फिर साइन को मौका मिल जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन ए माइनस बी को साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नेक्स्ट आइडेंटिटी विल बी कॉस ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी, कॉस ए माइनस बी, cos a minus b पे क्या होगा, फिर से वही काम, जहां पे माइनस था वहां पे प्लस हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए, cos में थोड़ा सिस्टम उल्टा होता है, प्लस वाले आइडेंटिटी पे माइनस होता है, माइनस वाले आइडेंटिटी पे प्लस होता है। चलिए फिर मैं लिखने का तरीका, a b a b, पहले दोनों के साथ cos आ जाएगा, फिर दोनों के साथ में sin आ जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो ये देखिए क्लियर हो गई आइडेंटिटी आपको, आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ पे cos a minus b equals cos a cos b plus sin a sin b। यहाँ से देखिए आइडेंटिटीज तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद में हम लोग इन्हीं आइडेंटिटीज से कुछ और नई आइडेंटिटीज बनाते हैं, जैसे कह सकते हैं हम इनको अभी इरेज किए दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से आइडेंटिटी कौन कौन सी बन रही है, पहले हमने इन दोनों आइडेंटिटीज को जोड़ दिया या ऐड कर दिया, पहले हमने कुछ जोड़ दिया, तो क्या होगा भाई, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। ये देखिए दो अलग अलग आइडेंटिटी थी, इनको आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद दो नई आइडेंटिटी फिर से आप नोट करें, नोट करने के बाद ये वर्क करिएगा।
तो देखिए बिल्कुल जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स क्या बचेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्योंकि हम लोग इनको जोड़ रहे हैं ऐड कर रहे हैं। इधर क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कितनी बार हो गया दो बार हो गया तो लिख देंगे टू साइन ए कॉस बी। तो स्टूडेंट्स ये एक आइडेंटिटी तैयार हो गई, क्या हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन गई भाई टू साइन ए कॉस बी इक्वल्स साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इन्हीं आइडेंटिटीज में थोड़ा सा और चेंज लाते हैं। अभी देखिए हमने दोनों आइडेंटिटीज को ऐड कर दिया था या जोड़ दिया था, है ना, जोड़ना ऐड करने की बात है। अब क्या करेंगे इनको घटा देंगे, घटाने पे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको बोलते हैं घटा देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे। कहने का मतलब है जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएंगी। जब आइडेंटिटीज चेंज हो गए स्टूडेंट्स, अब देखिए पहले कैंसिल क्या हुआ था कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, अब की बार ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला भाई, क्योंकि अब की बार साइन ए कॉस बी प्लस का है, साइन ए कॉस बी माइनस का है, अब की बार ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पहले इसको नोट कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इतना क्लियर हुआ भाई, चलिए अब इतना क्लियर हो गया। उधर क्या बचेगा देखिए कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, तो टू टाइम्स हो जाएगा, दो बार हो जाएगा टू कॉस ए साइन बी। ओके स्टूडेंट्स ये रही आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी। और हम कह सकते हैं अगर फॉर्मूला में लगाना है किसका टू कॉस ए साइन बी का, किसके स्टूडेंट्स टू कॉस ए साइन बी, तो हम लोग क्या कह सकते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स चलिए ये भी क्लियर हो गया आपको। तो देखिए हमने तो दो आइडेंटिटी ली थी, कौन कौन सी साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, इन दोनों की हेल्प से हमने साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी बनाया, इसके बाद में टू साइन ए कॉस बी बनाया, है ना। स्टूडेंट्स एक काम और करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं, तुलना करा लेते हैं, जिससे कि हमें आसानी से याद रहे, है ना। चलिए कैसा ये देखिए आइडेंटिटी तो अभी है टू कॉस ए साइन बी की, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और इसके पहले जब हम लोगों ने किया था दोनों समीकरणों को जोड़ दिया था तो क्या आया था टू साइन ए, हाँ दोनों बच गया था टू साइन ए कॉस बी बच गया, तो उस कंडीशन में दोनों प्लस में थे, क्या था यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए सारे स्टूडेंट्स हायर लेवल के नहीं होते, सभी लोग सारी चीजें कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों का फिर भी ये प्रयास होता है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट करो। तो जिन स्टूडेंट्स को ये काम करने में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए हम कंपेयर करा के कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को आराम से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं, जब साइन ए पहले था, याद रखिए जब साइन ए कॉस भी था, पहले साइन आया था फिर कॉस आया था, तो देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के बीच में प्लस लगा हुआ था, वैसे याद कर सकते हैं। तो जब टू साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी लिखनी है, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लिखना है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा, और जब कॉस को पहले ले आएंगे तो केवल यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस, है ना। जो जैसे आप लर्न कर सकते हैं, जैसे माइंड में आप स्टोर कर सकते हैं वैसे वर्क करें, है ना। क्या हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी, ऐसी सिचुएशन में यहाँ प्लस हो जाएगा, इसमें साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और जब यहाँ पे कॉस पहले आ जाएगा कॉस ए साइन बी हो जाएगा तो प्लस कीजिएगा स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा। ओके चलिए भाई तो इसको हटाते हैं। अब देखिए इतनी आइडेंटिटीज हमारे प्रिपेयर हो गई है ना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक आइडेंटिटी थी अपने पास, अभी मैंने लिखी थी कॉस ए प्लस बी पे, है ना स्टूडेंट्स। लिखना लिखने का तरीका फिर से बता दें, कैसे लिखा था हम लोगों ने ए बी ए और बी, है ना स्टूडेंट्स। अच्छा भाई अब मैंने बताया था कॉस क्या करता है, साइन ने पहले साइन को बुलाया फिर कॉस को बुलाया, लेकिन कॉस ऐसा नहीं करता, कॉस काम कहता है पहले दोनों जगह हम रहेंगे फिर दोनों जगह तुम रहोगे, चलो भाई कोई बात नहीं ऐसा ही सही। तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी। और एक बात कॉस में उल्टी होती है क्या, प्लस की जगह यहाँ ए प्लस बी का की आइडेंटिटी है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। चलिए
और देखते हैं नेक्स्ट में, अगर हमें cos a माइनस b की आइडेंटिटी लिखनी है तो यहाँ स्टूडेंट्स माइनस की जगह प्लस कर दो और जैसा ऊपर लिखा है वैसा कॉपी कर दो, है ना, तो हो जाएगा sin a sin b। चलिए भाई cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b cos cos a cos b plus sin a sin b, तो cos a plus b का फॉर्मूला हो गया, cos a minus b का फॉर्मूला हो गया, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, फिर से वही काम, इन दोनों की हेल्प से दो नई आइडेंटिटी तैयार करते हैं। कैसे, पहले दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ देते हैं या ऐड कर देते हैं तो यहाँ के चिन्ह या साइन नहीं बदलते, है ना। जब जोड़ देंगे तो देखिए माइनस का साइन है साइन भी है और प्लस का साइन है साइन भी है, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, इसलिए दोनों हो जाए कैंसिल आउट। अगर दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ क्या बचेंगे, देखिए cos a cos b और cos a cos b, तो क्या हो जाएगा टू cos a cos b। ओके स्टूडेंट्स, क्या बचेगा टू cos a cos b, और इधर क्या होगा, पहले इसको लिख देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा cos a plus b plus cos a minus b, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए ये भी क्लियर हो गया, आइडेंटिटी क्या बन गई, कह सकते हैं टू cos a cos b में cos a plus b plus cos a minus b, तो जब साइन पे आया था मैटर तो दोनों साइन में थे, आपको याद होगा ये टू साइन ए टू साइन ए कॉस भी लिखा गया था, तो जहां था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और जब दोनों कॉस में है यहाँ पे तो ये दोनों दोनों कॉस में आ जाएंगे। आप लोग एक दो बार लिखने की कोशिश जरूर करिएगा, सॉल्व करके इस तरीके से आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर्ड हो जाएंगे, है ना। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस टू कॉस ए कॉस बी, तो एक ही आइडेंटिटी बन गई अपने पास में, है ना। इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट कर लीजिए, फिर अभी अगर जरूरत पड़ती है तो मेरे फिर से सारे फॉर्मूले नोट कर देंगे, आप लोग एक साथ स्क्रीनशॉट लेके नोट करते रहिए, है ना। अब की बार क्या करेंगे भाई, पिछली बार हम लोगों ने इसको जोड़ दिया था, अब क्या करेंगे घटा देंगे, और जब घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, यहां माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, समझते जाइए स्टूडेंट्स, यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस। और जिन लोगों को इक्वेशंस को या आइडेंटिटीज को सॉल्व करना नहीं आता उनके लिए बता दें, जब घटाया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो नीचे जो भी चिन्ह होता है वो बदल जाता है बस, अगर यहाँ माइनस होता पहले तो हम ये लोग यहाँ प्लस कर देते हैं ना, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब देखिए क्या होगा, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, एक प्लस का दूसरा माइनस का कट जाएगा, उधर क्या बचेगा साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, दोनों माइनस के हैं सेम साइन के हैं, इसलिए इनको ऐड किया जाएगा जोड़ा जाएगा, तो जोड़ा जाएगा तो आएगा क्या टू साइन ए साइन बी। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा टू साइन ए साइन बी, ऐसे केस में अब क्या होगा भाई, देखिए दोनों माइनस के हैं इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जब यहाँ पे माइनस आ गया यहाँ क्या बचेगा अपने पास कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी कॉस माइनस टू साइन ए साइन बी। अब माइनस हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, और जब माइनस हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे स्टूडेंट्स तो बात याद रखिए, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, इसको घुमा के लिख देंगे हम लोग, माइनस हम इधर भेजते हैं तो ये देखिए प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस का, जब ये प्लस का हो जाएगा इसको हम लोग सीधा करके लिख देंगे कैसे cos a माइनस बी, और ये हो जाएगा माइनस का तो माइनस cos a प्लस बी इक्वल्स क्या हो जाएगा टू sin a sin b। इसके जस्ट पहले जो आइडेंटिटी हम लोगों ने बनाई है ये दोनों का यूज करके अब उसको ऐड करते हैं, वो क्या थे अपने पास टू cos a cos b। ओके स्टूडेंट्स, उस केस में क्या था कि हमारे पास आया था cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। अब यहां पे इसको कंपेयर करा लेते हैं, देखिए ये दो नई आइडेंटिटीज हमारी तैयार हो गई हैं, इन्हीं दोनों की हेल्प से। देखिए अभी तक हम लोगों ने 6 से 7 या 8 आइडेंटिटीज के आसपास कवर कर लिया, लेकिन अभी तक हमने कुछ भी ऐसा ज्यादा नहीं बताया जिसमें आपको ज्यादा लर्निंग की जरूरत पड़े। तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, अब यहाँ तुलना कराते हैं कंपेयर करते हैं कि अब दोनों साइन पे होते हैं, अभी जो हमने पहले आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें पहले साइन था फिर कॉस था, है ना, पहले साइन था फिर कॉस था, फिर उसके बाद क्या है पहले कॉस आ गया फिर साइन हो गया, है ना। इस केस में क्या है देखिए, पहले दोनों बार साइन है फिर दोनों बार कॉस है,
पहले यहां समझेंगे जब दोनों बार cos है तो cos जब दोनों बार है तो cos अपने जैसे चलाएगा दोनों में पॉजिटिव ले लेगा, क्या कर देगा भाई दोनों में वो पॉजिटिव ले लेगा, तब क्या करेगा cos a plus b और plus cos a minus b होता है ये plus plus और minus, क्या हो जाएगा cos a plus b plus cos a minus b। और जिन स्टूडेंट्स के माइंड में स्टोरेज पावर ज्यादा है, जैसे आजकल जो न्यू मोबाइल आए हैं ना 128 GB तक का स्टोरेज दे रहे हैं मोबाइल फोन पे, तो वैसे अगर उनकी पावर ज्यादा है तो आप कैसे माइंड में रख सकते हैं कि 2 cos a cos b कब बचा होगा, आप समझिए जरा सा कि cos a cos b cos a cos b दोनों को हम लोगों ने जोड़ा होगा, जब जोड़ा होगा तभी ये दोनों कटे होंगे और तभी 2 cos a cos b बचा होगा। जब उधर आप जोड़ोगे तो यहां प्लस करोगे, यहां पे जब प्लस करोगे तो cos a plus b plus cos a minus b आ जाएगा, और ये कब बचेगा सोच के देखो, ये कब बचेगा जब इसको घटाओगे या सबट्रैक्ट करोगे तब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ माइनस कर दोगे तो ये कट जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस बी पहले चला जाएगा माइनस cos a प्लस बी, आप समझ सकते हैं जब यहाँ प्लस था तो प्लस प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस फिर प्लस। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं कुछ और आइडेंटिटीज की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें तो मैंने क्लियर करा दी थी अभी वो आपको याद भी दिला देंगे। हमारे पास एक आइडेंटिटी जस्ट मैंने बताई कौन सी साइन ए प्लस बी, ये क्या था आपके पास स्टूडेंट्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके स्टूडेंट्स तो अब क्या कर सकते हैं, अगर हम इस बी की जगह पे ए रख दें, बी की जगह भी ए रखें तो होगा क्या, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी की जगह हमने रख दिया ए, यहां साइन ए कॉस बी की जगह ए रख दिया प्लस कॉस ए था और ये हो गया साइन बी की जगह भी ए, तो देखिए आप यहाँ ए और ए कितना हो गया 2a साइन 2a हो गया, साइन हम देखिए साइन ए कॉस ए और यहाँ भी साइन ए कॉस ए दोनों को जोड़ देंगे ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, ये अगली आइडेंटिटी बन गई स्टूडेंट्स साइन 2a की, तो साइन 2a कॉस क्या हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब बात करते हैं अभी एक आइडेंटिटी हमने और पढ़ी कौन सी, यहाँ पे अगर चाहे तो cos a plus b, तो cos a plus b का यूज करके भी हम लोग और आइडेंटिटीज बना सकते हैं है ना, देखिए cos a plus b है सूत्र क्या आया था यहाँ से cos a cos b minus sin a sin b, यहाँ पे भी आप b की जगह a रख के देखो जरा सा तो हो जाएगा a plus a, यहाँ पे हो जाएगा cos a into cos a minus sin a, b की जगह a रख देंगे तो हो जाएगा साइन ए, तो क्या बन गया कॉस इंटू कॉस ए, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन इंटू साइन ए, तो स्टूडेंट्स बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो एक ये आइडेंटिटी और तैयार हो गया अभी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गया कॉस टू ए, तो कॉस टू ए इक्वल्स एक आइडेंटिटी हमारे पास आ गई है क्या कॉस टू ए इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, तो लास्ट टाइम आप लोग याद होगा मेरे लास्ट वीडियोस आप लोग देख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स वन मैंने बताया था है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होता है, तो अगर हमें यहाँ से कॉस यहाँ मान ली साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो कॉस को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का ये मान उठा के ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते हैं क्या हो जाएगा देखिए तो ये यहां पे रखा हुआ था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह रख दीजिए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, और ये भी आइडेंटिटी होती है कॉस टू ए की, इसका मतलब हो गया कि कॉस टू ए की एक आइडेंटिटी हो गई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और दूसरी आइडेंटिटी हो गई कॉस टू ए कॉस टू कॉस स्क्वायर माइनस वन। स्टूडेंट्स इसमें अगर आप कॉस स्क्वायर ए के मान अभी हमने साइन स्क्वायर ए के मान निकाला था अब निकालना कॉस स्क्वायर ए का मान, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस वन माइनस साइन उधर भेज देंगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और जब ये वैल्यू यहां पे रखेंगे तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्या चेंज आ जाता है ये हो जाता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, आप लोग रख के देख लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कॉस टू ए की आइडेंटिटी बन गई क्या टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन या वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे एक चीज और बताने वाली कि अभी टू ए तक तो आता नहीं भाई है ना, थोड़ा सा और भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होने लगती है कौन कौन सी, जैसे
अभी हमारे पास आ जाए cos 4a, तो यहां से हम लोग एक चीज और समझेंगे कि जब यहां पे 2a था तो यहां पे a और यहां पे a, मतलब जितना भी यहां पे स्टूडेंट्स ये cos था है ना, जितना भी यहां पे था उसका ये कोण आधा हो गया, तो वो एंगल हाफ हो गया था। तो जब 2a था तो a और a बचा था, तो अगर 4a लेके चलेंगे तो 4a का हाफ क्या होता है 2a है ना, 2a लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2a माइनस sin स्क्वायर 2a, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स cos 4 equals cos square 2a minus sin square 2a है ना। और फिर देखा हमने जब यहाँ पे 2a था तो 2a होने की वजह से 2 बाहर तो आना ही आना है, एंगल ये जो है 2a, 2a की जगह क्या बचा हुआ a, हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं 2 cos square इसका हाफ कर देंगे तो 4a का हाफ क्या होता है 2a minus 1, या इसे लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square 2a। ओके स्टूडेंट्स इतना क्लियर हो गया। अब इसी को आप समझ लें कि अगर यहाँ पे 8a है तो 8a होने की वजह से इसका हाफ सब जगह हो जाएगा, यहां 4a हो जाएगा, यहां भी 4a, यहां 4a हो जाएगा और यहां भी स्टूडेंट्स 4a हो जाएगा है ना। तो देखिए इतनी आइडेंटिटीज कवर हो गई, आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए और इसको नोट करते रहिए, दो चार बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आप गारंटी है कि आप लोगों को अच्छे से ये सारी आइडेंटिटीज लर्न हो जाएंगी है ना। अभी देखिए हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ लिए sin 2a cos 2a के, अब इन्हीं में से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, sin और हम लोगों ने पढ़ लिया ये sin a plus b sin minus b cos a plus b cos a minus b, अब बारी आती है tan पे है ना, तो tan पे बढ़ते हैं। तो ये देखिए है tan a plus b, स्टूडेंट्स tan a plus b equals क्या होगा, इसकी आइडेंटिटी देखेंगे तो tan a प्लस टेन बी, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसमें अलग अलग बढ़ जाता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स जब इसी में हम लोग गारंटी लिखते हैं टेन ए माइनस बी की, टेन ए माइनस बी की गारंटी लिखते हैं tan a plus b equals tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, जब यहाँ plus होता है तो यहाँ भी plus होता है, यहाँ minus हो जाता है, जब a minus b की identity लिखेंगे तो ऊपर देखिए plus की वजह से plus था, अब क्या हो जाएगा minus की वजह से minus हो जाएगा, तो tan a minus tan b upon 1 plus यहाँ पे हो जाएगा tan a tan b। okay students यहाँ पे tan a plus b की आइडेंटिटी क्या थी, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, जब यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस था, यहाँ माइनस आ गया था, अब जब यहाँ माइनस है तो यहाँ सामने माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। अब जब देखेंगे आइडेंटिटी किसकी स्टूडेंट cot a plus b की, तो cot a plus b इसका उल्टा होता है ना। यहाँ पे काम करें आप लेते हैं स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसको अच्छे से एक मिनट समझ लें फिर देखते हैं इसको एक मिनट। चलिए स्टूडेंट्स cot a plus b गारंटी देखते हैं, तो cot a plus b equals ये इसका उल्टा होता है, करता क्या है इसको पहले देखो, tan को उल्टा cot होता है, मैंने बताया था ना लाल बटे कक्का में और pbb upon hhb में मैंने एक्सप्लेन किया था, मेरे फर्स्ट वीडियो आप लोग देखिए है ना, तो ये उल्टा हो जाता है, tan को उल्टा होता है cot की उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा cot a cot b, और देखिए यहां पे ये क्या है देखिए माइनस है यहाँ पे है ना। अब जब एक बार और समझिए कि यहाँ पे जब माइनस सामने प्लस था tan a plus b में, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लिया था, मगर cot वाले केस में ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, उसको उल्टा काम करेगा। अगर आप इससे तुलना करना चाहें कंपेयर कराना चाहें तो cot tan a plus b equals क्या हो जाएगा cot a cot b minus 1, ये चीज ऊपर चली जाएगी सीधा है ना, और अपॉन में हो जाएगा cot a plus cot b, आप ऐसा याद रखें तो बेहतर होगा कि cot b plus cot a, इसी को आप उल्टे पे लिख देना है cot b plus cot a, आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, दो तरीके हैं, पहला कि जब tan a plus b था तो tan a plus tan b 1 minus tan a tan b था, cot tan और cot उल्टा हो जाए ये चीज सीधा रिवर्स होकर चली जाएगी, और जो बाद में आ रही थी ये पहले आ रही थी, पहले वाला बाद में हो जाएगा, tan में ये प्लस होने पे सामने वाला प्लस में होता था, cot में जब ये प्लस में होता है तो सामने वाला माइनस में होता है। इसी पैरेलल अगर ले लें हम लोग cot a minus b, तो cot a minus b में सीधा साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot a cot b माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 1,
अपॉन यहाँ प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम चाहते तो कॉट ए प्लस कॉट बी लिख सकते थे, लेकिन फिर आप लोगों को यहाँ दिक्कत होती क्योंकि यहाँ कॉट बी माइनस कॉट ए ही होता है। अब वो फॉर्मूला लिखाना हमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हमें वो फॉर्मूला लिखाना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम लोग थ्योरम्स वगैरह प्रूव करेंगे या कुछ आइडेंटिटीज वगैरह प्रूव करेंगे, कुछ जो सवाल अभी आने वाले हैं हमें जो बोर्ड एग्जाम के लिए हम चला रहे हैं वहां के लिए भी जरूरी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए हमें टेन ए प्लस बी प्लस सी का। ये आइडेंटिटी क्या होती है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन में क्या हो जाएगा वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ये प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। अब लोग देख सकते जब ए प्लस बी प्लस सी था तो तीनों अलग अलग, जैसे जब दो थे यहाँ पे तो टेन ए प्लस टेन भी हो गया, आगे बढ़ कितने हो गए तीन, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस ये तीनों एक साथ इनका आप मल्टीप्लाई करा दीजिए गुणा करा दीजिए कैसे टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन वन माइनस यहाँ पे होता था, देखिए वन माइनस होता था कि नहीं होता, तुलना करके याद रखिए कभी भी नहीं भूलेंगे जीवन में आइडेंटिटी। तो वन माइनस क्या जब दो थे दो को एक साथ लेगा टेन ए टेन बी, अब तीन है तो पहले ए बी को एक साथ कर लो फिर बी सी को एक साथ कर लो फिर ए सी को एक साथ कर लो। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले अभी ट्वेल्थ के लिए बच गए हैं जो अभी एग्जाम में काम आने वाले हैं वो सारे बताए जाएंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बताया तो श्योर 5 मार्क्स में पूछा जाता है। स्टूडेंट इसके बाद हमें एक ऐसी सीरीज चलाने वाले हैं, जैसे फिजिक्स में एक सीरीज तो चल ही रही है अपने पास, इसमें 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाने हैं, जो गारंटी है कि एग्जाम में 90% क्वेश्चन उसी से आने हैं। ऐसे मैथमेटिक्स में भी शॉर्ट लॉन्ग वेरी शॉर्ट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाने हैं जो 8 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, 1 नंबर में भी, है ना, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ऐसे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 150 होता है या 100 होता है, इसका सिलेक्शन अभी कंटिन्यू चल रहा है, आप लोग निश्चिंत रहिए और हमारा साथ है, हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ याद रखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल, क्योंकि आप लोग ही हैं जो हमें इनकरेज करते हैं जिसकी वजह से हम लोग बेहतर वर्क कर पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए और अच्छे से मेहनत करिए जिससे आप लोग मार्क्स बेहतर हो सकें।